की बात चली थी, लॉकडाउन के बाद जब ये विषय ध्यान में आया कि लोगों को भोजन पक्का बनाकर देना चाहिए, तो जिला प्रशासन के द्वारा इस बात को किया गया कि वो भोजन की राशन सामग्री उपलब्ध कराएगी। इसको उपलब्ध कराने में उन्होंने 10-12 दिन पहले घोषणा कर दी थी, किंतु उनकी व्यवस्था बैठी नहीं, उनकी भोजन बांटने वाली भी व्यवस्था नहीं बैठी। ध्यान हो तो आपको उन्होंने विज्ञप्तियाँ जारी कर दी और दो दो तीन तीन दिन बाद भी नहीं हुई, तब उन्होंने हमारे को बुलाया, बुलाकर ये कहा कि नगर निगम के पार्षदों के माध्यम से इस बात की व्यवस्था की जाए। हमने न कांग्रेस देखे न बीजेपी देखे, 60 के 60 पार्षदों ने इस बात को करा। जिला प्रशासन ने जो सूची बनाई, इसी जिला प्रशासन की सूची से हमने पार्षदों को संतुष्ट किया। डिमांड तो बहुत ज़्यादा की थी, पर उसी में संतुष्ट करके हमने इस काम को सौंपा। उन्होंने जिस परिस्थिति में अक्षय पात्र से सामान आ रहा था उसको बांटने का हमने काम शुरू किया। ये लगभग 10 से 12 दिन से काम चल रहा था, इसमें दूसरे भी चल रहे थे। इतना और मैं कहना चाहूँगा कि पार्षद के अपने क्षेत्र में कमी पड़ने पर जो पार्षदों के द्वारा सहयोग और से चलाई जा रही जनता रसोई थी, तो जनता रसोई में भी 10-10 रुपये का पैकेट दे के वो खरीद के अपने क्षेत्र की पूर्ति कर रहे थे। अब सारी पूर्ति की चलती हुई व्यवस्था के अंदर इन्होंने कोई BLO से सूची बनवाई। एक तो ये इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि BLO साहब नगर निगम के हैं, BLO नगर निगम के, BLO नगर निगम के कर्मचारी नहीं है। पहली बार इनका आधिकारिक जो वर्ग है उत्तर विधानसभा का ADM फर्स्ट है और दक्षिण के SDO हैं, इस प्रकार से इनके उसमें रहते हैं। जो BLO थे, इन BLO ने नगर निगम के न तो अधिकारी को साथ लिया, न कर्मचारी को साथ लिया, न जनप्रतिनिधि को साथ लिया, और किस मैटर के साथ, किस मेथड के साथ इन्होंने सूची बनाई ये हम नहीं जानते। और उन्होंने जो सूची बनाई ये कह सकते हैं कि 60 के 60 पार्षद और कांग्रेस और BJP के जो राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि BLO की बनाई हुई सूची अपर्याप्त है। अपर्याप्त सूची को आधार मान के इन्होंने वितरण का काम शुरू किया। वो वितरण का काम अभी पूरा शुरू भी नहीं हुआ, इससे पहले ही कल तुगलकी आदेश निकल गए और शाम का खाना बंद कर दिया एकदम। अरे मैं कहता हूँ कि अगर कोई बीमार है, अभी आपकी इस बीमारी में भी जो चल रहा है, अरे डॉक्टर भी उसको हॉस्पिटल से रिलीज कर रहा है तो 14 दिन क्वारंटाइन में रख रहा है, 14 दिन उसको सेफ जोन के अंदर रख रहा है कि कहीं भी बाहर नहीं निकलेगा। आप ये व्यवस्था तो देखते हैं कि व्यवस्था आपकी फुलफिल हो गई है, पैरों पे खड़ी हो गई है, और उसके बिगर ही आपने कर दिया तो कल स्थिति ये रही कि क्षेत्र में से लोग बाहर निकल निकल के पार्षदों के घर पर पहुंचे, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी कई घरों में भूखे रह गए। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, तो तुम्हारा फर्क क्या पड़ रहा है? 6,000 भोजन के पैकेट आ रहे थे सुबह, 6,000 शाम की है, कुल 12,000 है, 1,20,000 का खर्चा आता है, कुल 10 रुपये में अक्षय पात्र से मिल रहा था। अगर 10 या 12 दिन चला जाता 12 लाख 13 लाख का खर्चा आ रहा है, 13 लाख इतने आपदा पड़ गई कि आप पे कि आप इस बात को उठा के बंद कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब एक जगह दो दो तीन तीन जगह बट रहा है। अरे मेरा ये कहना है कि कानून के अंदर भी 100 गुनहगार छूट जाए। कल जिस प्रकार का तुगलकी फरमान जिला प्रशासन द्वारा लिया गया, जारी किया गया कि ज़रूरतमंदों और जो बेसहारा लोग हैं उन तक भोजन जो हमारे द्वारा नगर निगम द्वारा पहुंचाया जा रहा है उसको बंद कर दिया गया था, आज उसको लेकर के नगर निगम के सारे पार्षद एकता दिखाते हुए जिला प्रशासन से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा निंदनीय है कि प्रशासन द्वारा जो उनका सहयोग कर रहे हैं पार्षद, कंधे से कंधा मिला करके इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ खड़े थे, उन्हीं को वो गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनको उठाकर बंद करने का प्रयास किया। प्रशासन से भी वार्ता के अंतर्गत जब उनको ये ध्यान में दिलाया कि केवल मात्र 1.25 लाख रुपए का खर्चा प्रतिदिन का उन जरूरतमंदों के भोजन का है, क्योंकि आप जिनको BPL का राशन दे रहे हैं या जिनको खाद्य सुरक्षा में राशन दे रहे हैं या आपके BLO ने जिनको चिन्हित किया है उनमें कई गड़बड़ियाँ हैं और ये केवल मात्र जरूरतमंदों का 50% ही होता है, बाकी 50% भोजन कैसे पहुंचे इसकी नीति रणनीति बनानी चाहिए। प्रशासन द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर के उसी समय तय हुआ कि नगर निगम के सभी पार्षद अपने विकास फंड जो मिलता है डेवलपमेंट फंड उसका 1 लाख रुपया इस काम के लिए देंगे और नगर निगम इससे भोजन की व्यवस्था को नियमित जारी रखेगा और इसका परिभ्रमण प्रस्ताव आज यहाँ पर नगर निगम में पारित किया गया।